तो फर्स्ट वाला हम स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ये 94 में आया था, है ना। कॉन्सेप्ट के लिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है। द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज, ये इक्वेशन आपको तीन इक्वेशंस देके रखी हैं, बोल रहे हैं इनका क्या है, मतलब सॉल्यूशन क्या है, यूनिक है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट है या कोई भी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हमको चाहिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, इसका रैंक चाहिए और ए का रैंक चाहिए, ठीक है। तो इसी के बाद कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, ओके। तो क्या करेंगे हम लोग, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे और ए का रैंक निकालेंगे, ठीक है। तो पहले मैं ऑगमेंटेड से स्टार्ट करता हूँ, तो बनाओ पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या आएगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आएगा और एक कॉलम एक्स्ट्रा आएगा। तो क्या है कॉलम में, एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में 1 1 1 और ये एक्स्ट्रा वाला कॉलम कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स में आएगा 3 1 0 -1, ये 0 1 -1 1 और ये 1, ठीक है। ये बन गई हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और ऐसी मैट्रिक्स की रैंक हमने पहले भी दो क्वेश्चन देखे निकालने के, तो दोबारा वापस आ गई है मेरे पास ऐसी मैट्रिक्स। तो इसकी रैंक निकालेंगे रो इक्लोन फॉर्म से। तो देखो फर्स्ट पिवोट कॉलम ये रहा, फर्स्ट पिवोट एलिमेंट ये रहा फर्स्ट रो का, इसके नीचे वाले 0, तो क्या लगाओगे ऑपरेशन, R2 tan 2, तो ये R2 - R1, ये 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है, तो R3 अप्रोचेस टू R3 - R1। तो देखो क्या बनेगा, तो मैं यहीं से मिटाता जाता हूँ, ठीक है। तो पहली वाला एलिमेंट तो यहाँ आ गया 0, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा ये 0 था, तो 0 - 1 दैट इज -1, -1 - 1 तो -2, और 0 - 3 दैट इज -3, ठीक है। 1 R3 - R1 तो 1 - 1 तो ये आ गया, इसकी जगह 0 आ गया, -1 - 1 इसके क्या जाएगा -2, 1 - 1 अगेन 0, 1 - 3 तो ये आ गया -2, ठीक है। ये पहला वाला लगा दिया हमने ऑपरेशन, इसके नीचे के 0 कर दिए। सेकंड पिवोट एलिमेंट देखो ये ना, इसके नीचे सब 0 होना चाहिए, तो -2 को 0 कैसे बनाओगे, R3 अप्रोचेस टू R3, ऊपर डबल कर देता हूँ, -2 R2, ठीक है। तो ये -2 - मतलब +2 हो जाएगा, -2 + 2 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये तो दोनों 0 थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 - 2 - -2 यानी +4, तो ये हो जाएगा +4, और ये क्या आएगा आपको -2 + 6, तो -2 + 6 हो जाएगा आपको +4, ठीक है। और ये आ गया आपका तीसरा पिवोट एलिमेंट, नीचे कुछ है नहीं। तो देखो रो इक्लोन फॉर्म बन गई क्या, तो ये रहा फर्स्ट पिवोट एलिमेंट, इसके नीचे सब 0, सेकंड पिवोट एलिमेंट सब 0, और ये थर्ड पिवोट एलिमेंट। तो आप देखोगे कि ये ए बी का रैंक क्या आ जाएगा, अगर कोई मुझसे पूछे रैंक ऑफ ए बी, ये ए बी बनाया था ना, इतना पार्ट क्या था इसका, ए था, और ये वाला पार्ट क्या है, ये बी है, तो रैंक ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो इक्लोन फॉर्म या नंबर ऑफ पिवोट्स, तो 3 आ गया रैंक, है ना। अब मुझे क्या चाहिए, रैंक ऑफ ए चाहिए। देखो रैंक ऑफ ए कैसे निकालोगे, इवन आप बोलो कि ए भी आपका रो इक्लोन फॉर्म में बन गया है, कि आपको ए को भी आप अलग से रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, आपने ए बी को रिड्यूस किया तो ए भी बन गया। देखो जो अगर सिर्फ इतना पार्ट देखोगे, अगर इतना सिर्फ इतना वाला पार्ट देखोगे ना, ये ए है और ये भी तो रो इक्लोन आ गई, तो ए की रैंक में देखो इससे क्या हो गई, इसमें तीनों नॉन जीरो रो है, 3 पिवोट्स है, तो रैंक ऑफ ए भी क्या आ जाएगी आपको, 3। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, x1 x2 x3, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स थे मेरे पास 3,
नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने थे मेरे पास, 3। तो ये आ गया इक्वल टू एन। तो ये पहले केस हो गया ना, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन। तो इसलिए इसका क्या आंसर आ गया, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिक सॉल्यूशन। और इवन आप देखो कि रैंक 3 है तो इसका डिटरमिनेंट भी अगर आ जाएगा तो डिटरमिनेंट क्या आएगा इसका, -4 है ना, क्योंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से प्रॉपर्टी का डिटरमिनेंट अफेक्ट नहीं होता। तो ए वाले सिर्फ ये ए वाले पार्ट पर देखो डिटरमिनेंट आ गया -4, दैट इज नॉन जीरो। तो इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, इनवर्स एग्जिस्ट कर गया मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ओके।